तो मेरे को कोडिंग करना स्टार्ट करना है, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करूँ, या फिर कौन से डेटा स्ट्रक्चर वगैरह करने होते हैं, कोडिंग करनी कैसे होती है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब डाउट्स है, तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर तुम थर्ड ईयर में हो, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने वाला है या फिर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है, एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग थिंग कि 90 दिन में 100 दिन में तुम्हें कोई स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीज़ें समझा दे, तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखा दे, या तुम खुद सीख पाओ, तुम्हें बस एक रोड मैप दे दे यार ये चीज़ें करनी है, जब तुम ये सारी चीज़ें कर लोगे तो यू आर गुड टू गो। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हारे लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करने वाले हैं, तुम्हारे लिए एक पूरा फ्लो तैयार करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके अलावा तुम्हें कुछ मिस्टेक्स हैं जो बताने वाला हूँ, अगर तुमने कोडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्टिंग में तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ताकि तुम इफेक्टिवली कोडिंग करना स्टार्ट कर पाओ एंड यू कैन लर्न योर ड्रीम जॉब। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट है, कमेंट करो कब ये तुम अपना चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी डेट है, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हाय गाइस, मैं शांत चाहरा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने तुम्हें अब तक बताया। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है या फिर व्हाट नॉट टू डू। पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बस ट्यूटोरियल्स नहीं देखते रहना, ट्यूटोरियल हेल में अगर तुम चले जाओगे तो तुम बस वही देखते रहोगे, बट जब तुम टेस्ट देने या फिर कॉन्टेस्ट देने या कुछ भी देने बैठोगे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। डिटेल में क्या समझना है सारी चीज़ों को, तो अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी व्हाट नॉट टू डू इफ़ यू लाइक वॉन्ट टू लर्न कोडिंग या फिर वाई पीपल फेल, तो वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे तुम्हारी आ रही होगी, आई बटन में आ रही होगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। सेकंड चीज़ है कि यार तुम दूसरों से कंपेयर मत करो खुद को, अगर तुम्हारी क्लास में कोई टॉप कोडर है, फिर तुम्हारा दोस्त है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कोडिंग करता है, तुम उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, यार ये तो बहुत अच्छी कर रहा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है कि अगर तुमने 2 दिन पहले कोई चीज़ स्टार्ट करी थी, आर यू एबल टू डू समथिंग बेटर देन दैट, चाहे तुमने वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डीएस से कुछ भी स्टार्ट किया था, एंड ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। जैसे जिम अगर तुम जाते हो तो बॉडी बनने में टाइम लगता है, तुम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में चेंजेस नहीं देखोगे, तुम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद तुम्हें चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। तो सेम इज़ द केस विद कोडिंग, तुम्हें एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अगर तुम प्रोसेस को अच्छे से कर रहे हो तो रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। थर्ड चीज़ जो है कि अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई एक ढूंढ लो, ठीक है। कोई तुम्हारा एक दोस्त भी होगा ना जो जिसके साथ तुम कॉन्टेस्ट दे सकते हो, जिसके साथ तुम कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कस कर सकते हो, यार मैंने ये चीज़ सीखी, तो बहुत सही रहेगा। बाकी इसके लिए एक और चीज़ है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अब कमेंट्स का ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि तुम जाके रोज मैं एक तुम्हारे लिए पोस्ट डाल दिया करूँगा, एक कमेंट कर दिया करूँगा कि यार आज क्या किया तुम लोगों ने, तो तुम्हारे पास एक अकाउंटेबिलिटी होगी अगर तुम ये चैलेंज स्टार्ट करते हो 100 डेज तक, कि यार मैंने डे 1 पे ये किया, डे 2 पे ये किया, डे 3 पे ये किया, तुम काफ़ी सारे लोगों को देखोगे यार ये इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है, एंड तुम्हारी मोटिवेशन इंक्रीज होगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और डे 1 तुम्हारा आज से स्टार्ट करना है तो आज से तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आज से ही डे 1 हम स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है तुम्हारे कि लर्न अ लैंग्वेज। मैंने C++ पढ़ाई हुई है कोडिंग 10 पे, मैंने वहाँ पे सिखाया है कि तुम्हें VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, तुम्हें बेसिक सारे स्ट्रिंग्स, एरेज वगैरह वाली सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लूप्स क्या होते हैं, FLs क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल समझा दी हैं, तो वो तुम जाके देख सकते हो। तो लूप्स, FLs वगैरह सारा तुम्हें वहाँ पढ़ाया, तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाएगा C++ में कैसे कोड करते हैं। तुम जावा सीखना है तो तुम अगर गूगल पे एक बार टाइप करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगे, तुम जाके सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सीखने के बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है 100 डेज कोडिंग वाला चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने दे दिया है पूरा रोड मैप 1 से लेके 100 डेज तक तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करने से पहले लैंग्वेज सीखनी है, तुम 1 या 2 दिन लगाओगे तुम्हें बेसिक सब कुछ समझ आ जाएगा, FLs लूप्स वगैरह क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, वो सब करने के बाद थोड़ा पैटर्न्स वगैरह प्रिंट कर लोगे, तुम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 दिन तुम अपने एक्स्ट्रा मान लो, कोई सीन नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए ना एक अमेजिंग फ्री रिसोर्स है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम भी, इसका नाम है कोड स्टूडियो। अब यार कोड स्टूडियो पे ना तुम्हें गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे अगर तुम्हें C++ का तो मैंने पढ़ाया हुआ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा जावा कैसे पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तुम यहाँ पे जाके गाइडेड पाथ्स में चेक कर सकते हो, ठीक है। तुम गाइडेड पाथ्स में चेक कर सकते हो, तुम देख सकते हो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ जावा कि तुम्हें बेसिक्स ऑफ जावा पढ़ना है, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक किया और तुम यहाँ पे अपना पढ़ सकते हो बेसिक्स ऑफ जावा में, तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए सारी तुम्हें मिल जाएंगी। बाकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यार यहाँ पे तुम्हें ना प्रॉब्लम ऑफ द डे मिल जाती है, तो प्रॉब्लम ऑफ द डे का ये फायदा है कि तुम जाओगे दिन में हर रोज़ एक क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही,
दिस इज वेन यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और तुम्हें अब प्रैक्टिस करनी है यार, बट तुम्हारे एग्जाम्स आ गए या फिर कुछ भी आ गए, तो एक आधा घंटा निकाला तुमने दिन में से कुछ भी करते हुए और एक क्वेश्चन कर लिया, उससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बाकी इसके अलावा यार तुम्हें यहाँ पे तुम्हें मॉक इंटरव्यूज वाला सीन मिल जाता है, इसके अलावा यार तुम्हें यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, 2000+ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हें यहाँ पे कंपनी टास्क मिल जाते हैं, इसके अलावा पता चल जाता है प्रॉब्लम तुम्हारी हार्ड है, ईजी है, फिर मीडियम है, तुम कौन से लेवल पे उस हिसाब से तुम उस प्रॉब्लम को चूज कर सकते हो, तुम्हें करना है कि नहीं करना। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में तुम्हें पता चल जाता है, तुम उस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को खुद लिव कर सकते हो, मतलब खुद जी के देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मंथली कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने से तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा तुम्हें पता चलता है कि तुमने जो अभी तक सीखा है उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा है, तुम्हें इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट कोड स्टूडियो। सबसे पहले तुम्हें सीखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जब भी तुम इंटरव्यूज देने जाते हो तो तुम्हें हर जो भी तुम कोड लिख रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए वो कितने टाइम और स्पेस में रन कर रहा है, अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, तो सबसे पहले ये चीज़ साइड करो, सबसे पहले सीख लो कि जब लूप होता है या फिर रिकर्जन होता है तो कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, सीख लो एक बारी, ठीक है, नॉर्मल लूप्स वगैरह वाला सीख लो। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, 3 to 10 days में तुम्हें क्या करना है, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग सीखना है। अब रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के लिए मैंने कोड इंटेंट पे प्रॉपर सीरीज बना रखी है, तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें सारा मिल जाएगा, ठीक है, पूरा रिकर्जन की सारी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और इसमें बैक ट्रैकिंग भी पढ़ाया हुआ है, तुम आराम से यहाँ से पढ़ोगे तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, तो day 3 to day 10 तुम्हें ये चीज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा day 11 to day 30, तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीखने की, एरेज क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक्स क्यूज क्या होते हैं, एरेज और लिंक लिस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कोड इन 10 पे, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है, एरेज वहाँ पे तुम्हें सीखने को मिल जाएगा, 2D एरेज और एरेज दोनों कराया हुआ है, लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट जब तक तुम यहाँ पे पहुँचोगे लिंक लिस्ट वाली सीरीज भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड फिर स्टैक्स एंड क्यूज अगर वहाँ तक हो जाता तो सही है, नहीं तो YouTube पर बहुत सारे और रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, तुम वहाँ से पढ़ सकते हो स्टैक्स क्यूज क्या होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। एंड ये सब करने के बाद तुम्हारा जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टैक्स एंड क्यूज तक कि तुम ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोड कैसे कर सकते हो चीज़ों को। तो नाउ कम्स द टाइम जब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट सजेशन जो मैंने बता रखा है, स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, जैसे तुम्हारे 30 डेज कंप्लीट होते हैं तुम स्टैक्स क्यूज वगैरह कर लेते हो तो कॉन्टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जब तुम day 31 पे आओगे तुम्हारे पास थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन से आते हैं, तुम्हारे सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, हैश मैप्स हो गया, ट्रीज, हीप्स और स्लाइडिंग विंडो, ये टेक्निक्स हैं और ये तुम्हारे एल्गोरिथम्स हैं जो तुम्हें सीखने होंगे, टेक्निक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स। तो सर्चिंग में तुम्हें बेसिक क्या करना होता है, बाइनरी सर्च सीखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसके अलावा एज सच कुछ और नहीं पूछा जाता है, बाइनरी सर्च पूछते हैं सबसे ज़्यादा, बाइनरी सर्च करना है। इसके अलावा सॉर्टिंग में मैंने यहाँ पे 5 बेसिक एल्गोरिथम्स दे रखे हैं, इसके ऊपर भी मैंने कोड इन 10 पे सारी वीडियोस हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जब तुम यहाँ पे पहुंचो तो सॉर्टिंग वगैरह यहाँ से देख सकते हो, एंड जब तक यहाँ पहुंचोगे तो सर्चिंग पे भी यू विल गेट बाइनरी सर्च पे वीडियोस एंड क्वेश्चंस, तो सॉर्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है हैश मैप्स, हैश मैप्स कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। देन देर आर ट्रीज, हीप्स एंड स्लाइडिंग विंडो, ये सारे टॉपिक्स भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये तुम पूछोगे यार भैया ये सब तो ठीक है बट क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यार आई गॉट यू कवर्ड, तो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है DSS शीट का जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तुम्हें कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, हर टॉपिक पे तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा आता है day 46 to 75, ठीक है, अब दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे ग्राफ्स और DP, जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो तुम्हारे टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यार मैंने पूरे 30 डेज सिर्फ इन दोनों चीज़ों के लिए डाले हुए हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें ग्राफ और DP पढ़ना है। मैंने तुम्हें टॉपिक भी बता दिए हैं कि ग्राफ्स में कौन से टॉपिक या फिर एल्गोरिथम्स हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस करने ही करने, तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बस दो ही चीज़ें होती हैं यार, तुम्हारा मेमोराइजेशन होता है, टैब्यूलेशन होता है। मेमोराइजेशन में अगर तुमने रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अच्छे से किया होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजीली होने वाला है, तो इसलिए रिकर्जन बैक ट्रैकिंग मैंने बहुत प्यार से पढ़ाई हुई है, तुम्हें समझ आ जाएंगी चीज़ें। वहाँ पे सब चीज़ों में TLE आ रहा होगा बट जब तुम उसमें DP ऐड कर दोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग, ग्राफ्स और DP पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। लास्ट कम से और 76 to 85 डेज, इसमें तुम्हें ऊप्स वगैरह सीखने होंगे। जब तक तुम इस वाले टाइम तक आओगे तुम्हारे लिए एक 1 वीडियो में ऊप्स वाला पूरा आ जाएगा कोड इन 10 पे। तो अभी तक मैंने बोला नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि वैल्यूएबल है तो यू कैन गो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू कोड इन 10। कुछ टाइम से कंसिस्टेंसी कम हो गई है बट
विल बी बैक सून। अब लास्ट कम से यार तुम्हारे लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं 100 डेज तक अगर तुम पहुंचते हो, तुमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो लास्ट में तुम्हें क्या करना है यार, थोड़े और टॉपिक्स हैं जो तुम कर लोगे तो अच्छा रहता है, गुड टू हैव है। नंबर थ्योरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग में होता है और कुछ कुछ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में पूछ लेते हैं। बिट मैनिपुलेशन एंड ट्राइज, ये ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें करना अच्छा रहता है, मतलब इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ट्राइज मेरे दोस्त से एक प्रॉपर इंटरव्यू में पूछ लिया था, उसे बोला था कि ट्राई इंप्लीमेंट करके दिखाओ एंड क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ ज़रूरत होती है, तो ये ऐसी चीज़ें जो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, तो मैं बेसिक बता देंगे ट्राई क्या होता है, अब तुम्हारे ऊपर है, पूरा करके दिखाओ। सो दिस इज द होल रोड मैप, यहाँ पर मैंने तुम्हें पूरे 100 डेज का बता दिया है तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है। काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा रखी हैं, आई विल ट्राई टू कम्प्लीट ऑल दोज थिंग्स एज वेल, एंड आई होप तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तुम फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में तुमने अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं करी है तो 100 डेज दो, ठीक है, बीच में एग्जाम्स वगैरह आ रहे होंगे, यू कैन पॉज एंड स्टार्ट अगेन, तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो कि ये सारी चीज़ें तुम कंप्लीट कर पाओ, क्वेश्चन वाली लिस्ट दे रखी है वो तुम कंप्लीट कर पाओ एंड यू आर गुड टू गो। एंड जो ये DSA वाली लिस्ट है, ये सारी प्रॉब्लम्स में कोड स्टूडियो पे मिल जाएंगी, उन्होंने मेरे नाम पे पूरी एक लिस्ट बना रखी है, यू कैन डायरेक्टली गो देयर प्रैक्टिस देयर, सो दैट विल ऑल्सो बी गुड। बाकी जैसे मैंने तुम्हें बताया टेलीग्राम ग्रुप का तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से तुम्हें अकाउंटेबिलिटी थोड़ी तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस, ट्राई पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जहाँ पे तुम एक्टिव हो, वहाँ पे हर माइलस्टोन के बाद 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद तुम एक डालो कि यार मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। रोज़ डालोगे तो इट विल लुक लाइक अ स्पैम, आई विल नॉट लाइक आस्क यू गाइस टू पोस्ट एवरी डे, बट ऐसे 15 दिन या 2 हफ्ते में एक बार ही डाल दिया, 3 हफ्ते में एक बार ही डाल दिया, तो दैट इज़ गुड फॉर यू टू लाइक ट्रैक योर प्रोग्रेस। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था गलती करते हैं एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे तुम अपने आप को खुद से कंपेयर कर पाओगे कि यार मैंने लास्ट 2 हफ्ते में तो इतना कर लिया था, अब नेक्स्ट 2 हफ्ते में मैं इतना और कर लूँगा या कर लूँगी। सो नेक्स्ट एक तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट है, कमेंट करो कब ये तुम अपना चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी डेट है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक करते हो इट विल रीच टू मोर पीपल, इट विल हेल्प मोर पीपल एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। सो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी गुड, एंड इफ़ यू वॉन्ट वीडियोज़ रिलेटेड टू एनी थिंग, जो तुम्हें सजेशंस हो कुछ भी हो, तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है, तुम्हारे पास अगर कोई नहीं है गाइड करने के लिए, मैं हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि जॉब के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के साथ सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, अगर तुम्हारा कोई फीडबैक होता है तो मैं उसको ज़रूर गो थ्रू करता हूँ कि यार ये चीज़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इतना ही था यार, आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिल रही होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।